अच्छा करण सर देख लो, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर एंकर हैं, डिजाइनर हैं, होस्ट हैं, रियलिटी शो के जज हैं, कॉफी भी बेचते हैं, सर इतने सारे काम करते हैं, आपको कभी पीठ पे खुजली हो तो खुजाने का टाइम लगता है? मिल जाते लोग पीठ पे खुजली करने के लिए। अरे ऐसी बड़ी अफवाहें होती हैं, जो भी हमारे स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, जैसे काजल मैम आपके बारे में ऐसे हमने सुना है कि आपके पापा आपका नाम मर्सिडीज रखना चाहते थे, इज इट ट्रू? जी सच है। He wanted to call you Mercedes? Yeah. ऐसे क्यों? क्योंकि उनको लगा था कि अगर कोई इतना बड़ा आदमी है जिसने एक पूरी कंपनी अपनी बेटी पे शुरू की थी, उसकी बेटी का नाम मर्सिडीज था और वहां से उसने कंपनी बनाई थी, तो उसने बोला अगर वो आदमी अपने बेटी के नाम पे कंपनी शुरू कर सकता तो मैं तुम्हारा नाम मर्सिडीज क्यों नहीं रख सकता हूं? बड़े लोग बड़ी बातें, जैसे उन्होंने कहा कि बेटी का नाम सोचा मर्सिडीज, अच्छा भले मजाक किया हो, हमारे ऐसा होता नहीं है, बच्चा मंगल को पैदा हो तो मंगलू, संडे को पैदा तो सुंडू, कुछ भी रख देते हैं। बुद्धू तो नहीं हुआ ना अभी, बुधवार को होता तो बुद्धू भी हो जाता है, ऐसा होता है। करण सर आपका भी हमने सुना, पहले नाम राहुल था। हाँ really? फिल्मों में मेरे जन्म पत्री में नाम राहुल कुमार जोहर है, अभी भी है। अच्छा वाह। लेकिन 6 दिन बाद पासपोर्ट में करण है, 6 दिन बाद मम्मी को सपना आया कि मेरा नाम करण होना चाहिए, तो 6 दिन बाद उठ के उन्होंने मेरा नाम बदल दिया और करण रख दिया। वाह, मेरी मम्मी को तो सपना भी नहीं आया, मेरा नाम वैसे ही रख दिया था, वर्ल्ड कप जीत के आया ना कपिल देव तो मेरे पापा ने रख दिया। और आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, अच्छा, वाकई उस वजह से आपका नाम कपिल है? 83 में हाँ, जब वर्ल्ड कप जीता तब मेरा नाम रखा, 2 साल मैं बिना नाम के घूमता रहा। मम्मी मेरा नाम क्यों नहीं रखा? मैं टोनी रखा था, अभी मैं टोनी बोलती हूँ। टोनी? टोनी? ओ ऐसी बात नहीं बोलते, चलो ठीक है ओके। पर काजोल मैम आपका नाम मैंने सिर्फ आप ही का सुना, उसके पहले भी नहीं सुना, कभी बाद में भी सुना, बड़ा यूनिक नाम है आपका, काजोल। काजल है ना, बट काजल होता है, काजोल नाम मतलब बंगाली में, काजोल बंगाली में ऐसी उसका प्रोनंसिएशन ऐसा, पर बड़ा अच्छा लगता है काजोल। बंगालियों में पूछोगे तो हर दूसरी लड़की का नाम काजोल ही है। और अगर करण सर का नाम बुलाना तो बंगाली कैसे बुलाएंगे? कोरोन। आपका तो और भयंकर हो जाएगा, अर्चना। जैसे आप सब जानते हैं करण सर ने बहुत सारे स्टार किड्स को लॉन्च किया है। सर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि जब एक्टर्स के बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद आप डिजाइन सोचते हैं कि मैं पहुंच जाता हूं। सुबह सुबह पहुंच जाता हूं, मैं घंटी मारता हूं कि मैं आ गया हूं। तो वही ये पूछना चाहते हैं कि बच्चे पैदा होने के बाद आप स्क्रिप्ट फाइनल करते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है? ये पहले मैं बुक करता हूं, जब भी कोई स्टार के घर पे बच्चा पैदा होता हूं तो मैं मेरी जाके पहले चला जाता हूं बुकिंग करने, यू नो, ताकि वो पहला हक मैं जमा सकूं। पहुंच जाता है अपना हक वसूली। बड़ी अफवाहें हैं, बोलते हैं कि ऐसे जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो सोनोग्राफी की रिपोर्ट माँ बाप को नहीं देते, करण सर को भेजते हैं कि एक बेबी होने वाला है, आप देख लो कौन सी फिल्म में आएगा। हाँ। तो सर ये सिर्फ स्टार किड्स या डायरेक्टर के बच्चों के ऊपर ही है या ये बात टीवी जो होस्ट करते हैं उनको भी लागू होती है? हाँ बिल्कुल। बस जैसे ही बच्चे पैदा हो जाए मैं पहुंच जाता हूँ, बस इंडस्ट्री के होने चाहिए। हाँ, तो मैं तो इंडस्ट्री की हूँ तो मैं अपना बेटा भेज रही हूँ। ये सारा मैं मजाक कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू टेल यू, क्योंकि ये लोग ये देख के सीरियसली ना ले लें। बहुत सारी ऐसी अफवाहें होती है, पता नहीं आप तक पहुंचती हैं काजल मैम की नहीं। आपके बारे में अफवाह सुनिए कि अजय सर सुबह सुबह जब उठते हैं तो आपके लिए पहले बैड टी बनाते हैं। ओहो, पहले मेरे लिए बैड टी बनाते हैं? हाँ जी। एक तो मैं कॉफी पीती हूँ, मैं चाय पीती नहीं हूँ। तो वही, हाँ वो बोल रहे थे कि कॉफी बनाते हैं। नहीं, 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 ऐसे नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज। तो दर्शकों जैसा कि आपने सुना ये केवल मात्र एक अफवाह है। अच्छा सर आपके बारे में भी एक अफवाह सुनिए, कहते हैं आपके बेबीज अभी बहुत छोटे हैं पर लेकिन उनके जो डायपर है वो मनीष मल्होत्रा डिजाइन करते हैं। मनीष मल्होत्रा डायपर तो नहीं बनाता खैर, लेकिन उसके कपड़े जरूर पहने हैं मेरे बच्चों ने। अच्छा। दिवाली पे, दोनों दिवालियों पे मनीष मल्होत्रा के कपड़े उन्होंने पहने। अच्छा ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक जो एक दो और अफवाहें हैं वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं।
नहीं नहीं बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू मैं जीजू तो नहीं बुलाता लेकिन मैं शायद शुरू कर लूं। मैं आई थिंक कल से मैं आई थिंक मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार ये आपका नया नाम है। पर सर ये तो कहीं तो इंटरव्यू में सुना है कि करण सर जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो 5-6-10 बड़े बड़े बैग लेके जाते हैं और जो सबसे बड़ा बैग होता है उसमें सिर्फ अंडरवेयर होते हैं। What? देखिए वो अंदर की बात है मैं क्या बताऊं लेकिन मैं इतने अंडरवेयर क्यों पहनूंगा। ये बात नहीं अच्छा ये सही है कि जब मैं नहीं ये क्या बोलना जरूरी है। Now you start in the sentence. क्या है जब आउटडोर पे हम जाते थे पहले तो वो लॉन्ड्री वॉन्ड्री का क्या आएगा तो मैं अगर 30 दिन का आउटडोर था तो मैं 30 अंडरवेयर ले जाता था। मैं धोने में मैं ज्यादा शौक नहीं रखता मैं चाहते वो पहनो फेंको ऐसा था तो बहुत सारे अंडरवेयर और रंग बिरंगी अंडरवेयर मुझे बड़े अच्छे लगते रंगीन मिजाज। आप कितने अंडरवेयर पहनते नॉर्मली जब आप आउटडोर जाते हैं? आप कच्चे पहनते हो कि अंडरवेयर पहले? मैंने ना सर बड़ी इसके ऊपर ना काफी रिसर्च की है। हाँ। मैंने देखा है कि आदमी अंडरवेयर बदलते रहना चाहिए। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छी क्या है कि अपनी पर्सनालिटी और अंडरवेयर दोनों साथ साथ जाने चाहिए। जैसे हम अपनी पर्सनालिटी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहिए टू बी विद द टाइम्स अंडरवेयर का भी वही हाल होना चाहिए। ओके लेट्स चेंज द टॉपिक। अब हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे सर क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शंस का माहौल चल रहा है। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं अच्छा तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है उनको डिपार्टमेंट देने हैं। आप भी आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं। कौन से एक्टर को कौन सी मिनिस्ट्री जो है सूट करेगी? हेल्थ मिनिस्ट्री अक्षय कुमार। वेरी नाइस सबसे ज्यादा फिट हैं, उनके बॉडी में कोई केमिकल्स नहीं जाते वो ताजा दूध घी मक्खन सब खाते हैं बहुत अपने सेहत का ख्याल रखते हैं तो ही इज द परफेक्ट हेल्थ मिनिस्टर एक्चुअली। सोशल मीडिया मिनिस्ट्री मैंने खुद हैंडल कर लेंगे। मुझे लगता ये खुद हैंडल कर लेंगे। मैं हैंडल तो कर लूंगा लेकिन जो बहुत सॉलिड रिप्रेजेंटेटिव वो है वरुण धवन। वो बहुत उन्होंने समझ लिया है कि सोशल मीडिया का गेम कैसे प्ले करना है। okay. वो रोज कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे बहुत एंटरटेनिंग है वो। अच्छा। और वो खुद करते हैं क्योंकि उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स को देखकर पता चल गया कि वो खुद ही करते हैं। वरुण धवन खुद करता है और खुद भुगतता है। गॉसिप मिनिस्ट्री करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपिसेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं। पीआर एक्टर्स डायरेक्टर्स असिस्टेंट स्टाइलिस्ट पीछे वाले आगे वाले बीच वाले सब वाले से उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू। तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूं वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बहुत एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है लेकिन वो इंफॉर्मेशन है ब्रॉडकास्टिंग का बताऊं जी वो रणबीर कपूर क्योंकि इंफॉर्मेशन रणबीर कपूर है। ब्रॉडकास्ट करना हो तो आपको कोई भी अफवाह का स्प्रेड करना हो तो आप रणबीर को झूठ बोल लो कि बोलो अर्थ गोल नहीं है। हाँ। 2 दिन में वो न्यूज़पेपर में आ जाएगा हेडलाइन में। हाउस पार्टीज मिनिस्ट्री मैं हाउसकीपिंग का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ। मैं बहुत फ्रॉम मेन्यू टू फूड टू कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन गेस्ट लिस्ट सब कुछ मैं बड़ा कमाल हूँ इस डिपार्टमेंट में। मुझे एक्चुअली पार्टी ऑर्गेनाइजर बनना चाहिए मैं गलती से डायरेक्टर बन गया। वेरी ट्रू आंसर। शो ऑफ मिनिस्ट्री मैं शो ऑफ हूँ। मैंने कभी कहा आई एम सो डाउन टू अर्थ आई एम टॉकिंग टू यू। बड़े गिरे हुए ओके फैशन मिनिस्ट्री अब वो मैं ले सकता हूँ लेकिन खैर मैं सोनम कपूर को दे दूंगा क्योंकि उन्होंने वाकई फैशन को ज्यादा फैला चुका है अभी सारे रेड कार्पेट में रेड कार्पेट की तरह घूम रहे हैं। ओके सो इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और बदले में आपको ये अभी भी ये मरे हुए फूल या फल मिलेंगे।
एक्चुअली हमने कभी सोचा ही नहीं ना कि क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं, बदले में देंगे क्या. सो हम आपको बहुत सारी दुआएं देते हैं. थैंक यू. थैंक यू. हाय आई एम राज. हाय. वाह शाहरुख. नाम तो सुना होगा. हमने नहीं सुना. राहुल का नाम सुना है, राज का नहीं. सर आई एम आज अपने स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर. सर ये जो आपने भी गाना सुना ये इनका भिखारी वर्जन था. कोई मिल गया था. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.